हेलो फ्रेंड्स, रिक्रिएट विद शेल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्वीट कॉर्न चाट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न उबालने के टाइम में इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी डालकर उबालते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें डालते हैं सारी सब्जियां, जो 1/4 कप के मेजरमेंट से मैंने ली है। अब इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू, टमाटर, खीरा, प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, बीट रूट। सभी सब्जियां बारीक कटी हुई होनी चाहिए, इसे टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालते हैं नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून चाट मसाला, काला नमक 1 टीस्पून, भुना हुआ जीरा 2 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, इमली की चटनी 1 टेबलस्पून। खटाई अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया की चटनी 2 टेबलस्पून। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट को बनाने के लिए कॉर्न थोड़ा सा गर्म रहा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे लास्ट में हम डालते हैं 1 कप बूंदी। बूंदी से चाट में बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है। अगर हम इसे पहले डाल देते हैं तो ये बहुत ही सॉगी हो जाएगा, इसलिए हम इसे सबसे लास्ट में डालते हैं। यह चाट बहुत ही ईजी है, सिंपल है और हेल्दी भी है। इस चाट की सबसे खास बात यह है कि इसे पहले प्रिपेयर करके रख सकते हैं। सिर्फ इसमें नमक और बूंदी लास्ट में ऐड कीजिएगा सर्व करने के पहले। और जल्दी से इसे बनाइए और बताइए आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।